हाय फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल मीनाक्षी बुटीक में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी सिलाई मशीन है। देखिए जो पैर वाली मशीन है, आज मैं आपको मशीन की सारी जानकारी देने वाली हूँ कि मशीन में सुई कैसे लगता है और सटल ऊपर नीचे कैसे होता है, धागे बड़े छोटी कैसे की जाती हैं, सारी जानकारियाँ, मशीन में धागे कैसे लगाते हैं, सारी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये फुल सटल मशीन है। हाफ सटल मशीन छोटी मशीन को कहते हैं और इसे फुल सटल मशीन कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें कुछ थोड़ी सी चेंजिंग होती है, छोटी मशीन और बड़ी मशीन में कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं होती है। बस यहाँ पे एक देख सकते हैं आप, एक ये होता है और एक यहाँ पैर के पास ये, बस ये। इन दोनों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि इससे हम क्या काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मशीन में हम धागा कैसे लगाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें मशीन को साफ़ कपड़े से साफ कर लेना चाहिए। कहीं भी मशीन में धूल गर्दा नहीं होना चाहिए, ऐसे धूल गर्दे से मशीन में जाम पड़ जाती है, और साफ करके ही उसे यूज करना चाहिए। एक और टिप्स फ्रेंड, जब भी हम मशीन को यूज करते हैं तो उसे अच्छी तरह से साफ करके उसमें तेल डाल के ही रखना चाहिए। अगर हम रेगुलर यूज करते हैं तो उसे रात को आप काम करने के बाद उसे तेल डाल दीजिए उसमें, और फिर उसे अगले दिन यूज कीजिए। और अगले दिन जब भी आप मशीन का यूज करें तो किसी पुराने कपड़े पे ही पहले चलाएं, ताकि तेल जो मशीन में एक्स्ट्रा तेल जो रहता है वो उस पुराने कपड़े में लग जाए। और अगर आप नए कपड़े को चलाएंगे तेल डालने के बाद तो वो तेल कपड़े में भी लग सकती है, लेकिन अक्सर उसमें रेगुलर आप तेल डालते रहें तो मशीन सही से सर्विस करती है। तो मैं आपको सबसे पहले सुई लगाना सिखाऊँगी। तो सबसे पहले मैं आपको धागा लगाना बताती हूँ फ्रेंड्स। देखिए यहाँ से इसमें धागा डालते हैं और फिर इसको यहाँ से ऐसे डालते हुए इस तरह से, फिर यहाँ धागा लगाते हैं, उसके बाद यहाँ लगाने के बाद हम सुई में धागा डालते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सुई में धागा डाल दी, और नीचे के धागे को ऊपर लाने के लिए हम इस धागे को पकड़े रहेंगे और धीरे धीरे इसको इस तरह से चलाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये नीचे का धागा भी आ गया। तो फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ कैसे मैंने सुई में धागा लगाया। ये फ्रेंड्स ये चाक है जिससे हम कपड़े को चाटते हैं, और इस फुल सेटल मशीन में एक सुविधा ये है फ्रेंड कि यहाँ पे ये फुट सेटल दी हुई है, इससे भी हम चाक को देख सकते हैं फ्रेंड। यहाँ पे आप इसको करने के बाद ये भी यहाँ से हो रही है, इससे हम कपड़े को चाटना उठाना भी कर सकते हैं। ये फुल सेटल में होती है, हाफ सेटल में नहीं होती है। और इससे फ्रेंड्स हम कपड़े की जो सिलाई को लॉक करते हैं ना, उसको लॉक करते हैं यहाँ से। और ये होती है सिलाई की बड़ी छोटी करने के लिए, जैसे कि अगर हम एक नंबर पे करेंगे इसको तो ये छोटी सिलाई देगी, दो नंबर पर करेंगे तो थोड़ी उससे बड़ी, तीन नंबर पर करेंगे, चार पाँच तो पाँच पे बहुत ही बड़ी सिलाई देने लगेगी। उसी तरह से हमें ये सेट करनी होती है, और ये अप डाउन करने से सिलाई लॉक होती है। तो
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, मैं आपको सिलाई करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स तेल डालने के लिए फ्रेंड्स तेल हम ऊपर के सभी मशीन में सभी जगह पे डालते हैं, जैसे जितने भी मशीन में छेद होते हैं, जैसे यहाँ डाले, यहाँ डाल दिया मैंने, यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया और यहाँ पे डाल दिया, जितने भी मशीन में छेद होते हैं ना, उन सब में तेल को डालना बहुत ज़रूरी है। मशीन का तेल रेगुलर डालते रहना चाहिए ताकि हमारा मशीन अच्छे से चले। मैंने डाल दिया है, अब मैं आपको सिलाई चला के दिखाती हूँ। फ्रेंड्स जैसे कि ये चाक है ना, ये उठाने के लिए, तो फ्रेंड्स फुल सेटल मशीन में हम इस पैर वाले का भी यूज करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको पैर से भी यूज कर सकते हैं या फिर इसको हम हाथ से भी यूज कर सकते हैं। तो फिर मैं पैर से ही कर रही हूँ फ्रेंड्स, देखिए। और इस चक्के को अपनी ओर धीरे से घुमाते हुए फिर हम लोग मशीन को चलाएंगे। ये धागा को किनारे से मिलाते हुए चलाते हैं ताकि हमारी सिलाई बिल्कुल सीधी आए। देखिए फ्रेंड्स कितनी सुंदर साफ सिलाई आ रही है। और फ्रेंड्स सिलाई देखिए तो कितनी अच्छी सीधी सीधी सिलाई आ रही है। मैं आपको धीरे धीरे चला रही हूँ, अगर आप इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे ना, देखिए फ्रेंड्स कितनी सीधी सिलाई है, एकदम सीधी सिलाई है ना। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।